रूप में कोलकाता से वाहद जिंदगी के चेयरमैन ललित जी सराव जी यहाँ पर है, जिन्होंने 200 शॉर्ट फिल्म बनाई है और 4 बार विश्व रिकॉर्ड बनाए। जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए। वो अपना प्रश्न रखें। गुरुदेव, मेरी शंका किसी धर्म या धार्मिक गतिविधि को लेके नहीं है, मेरी शंका कोई सामाजिक काम को लेके नहीं है, मेरी शंका आम लोगों के संबंधित भी नहीं है, मेरी शंका आपको लेके है। गुरुवर, मैं पिछले कई सालों से आपके सानिध्य में हूं, मैंने आपको देखा है कि हजारों आदमी से आप घिरे हुए रहते हैं। आपके जीवन पे मैंने फिल्म बनाई, गुनायतन पे मैंने बनाई, मैंने आपको देखा कि आपका एक पांव गुनायतन में है, एक पांव जहां आप विराजित हैं वहां है, एक व्यक्ति को जवाब इधर दे रहे हैं, एक व्यक्ति की बात वहां सुन रहे हैं। और कल इंदौर का जो चातुर्मास हुआ, उसमें हजारों हजार आदमियों की भीड़ में 7 घंटा घटा लिया। गुरुदेव, मेरी शंका है कि आप में क्या कोई जादू है, कोई चमत्कार है, या ऐसी क्या बात है गुरुदेव में, आप में जो इतनी शक्ति है, वो शक्ति हम में क्यों नहीं है? हम 2 घंटा काम करते हैं, हम थक जाते हैं। ये शंका मेरी आप दूर करें गुरुदेव, कि आप जादुई व्यक्ति हैं कि चमत्कारिक व्यक्ति हैं, कि आप क्या हैं? देखिए, न तो मुझ में कोई जादू है, न कोई चमत्कार है, मैं तो जादू टोना और चमत्कारों से अपने आप को दूर रखता हूँ और इनमें विश्वास भी नहीं रखता। लेकिन हाँ, मैं सतत अध्यवसायी हूँ, सतत प्रयत्न करता हूँ, प्रयास करता हूँ, तत्परता मेरा स्वभाव और उद्यमशीलता मेरी प्रवृत्ति। क्षण भर के लिए भी अपना समय नहीं खोता, मैं बेहतर से बेहतर बन सकूं और बेहतर से बेहतर कर सकूं। अभी आपने कहा कि पिछले 2 महीने में आपने अपना 13 किलो वजन घटा लिया। मेरा वजन नहीं घटा भाई, मेरा वजन तो आप लोगों की नजरों में बढ़ा ही होगा। मेरा नजर वजन घटना है कि बढ़ा है? बढ़ते ही जा। फिर क्यों बोल रहे हो? जो मैं हूं ही नहीं उसकी चिंता क्यों करते हो? वजन अगर घटता है तो शरीर का, शरीर का वजन घटने की कोई परवाह मत करो, मनोबल को ऊंचा बनाए। मनोबल ऊंचा होगा तो सब कुछ। मैंने शंका समाधान में ये बात कही थी, इसे दोहराना नहीं चाहता। और ये प्रयोग भी मेरी एक तपस्या है, उस तपस्या की तरह मैं प्रयोग कर रहा हूँ, चल रहा है। जब सफल हो जाएगा तब आप लोगों को प्रेरणा दूंगा, और अगर मुझे लगेगा कि इसमें कसर है तो आपको भी कहूँगा आप फॉलो मत करना। और अभी तो सबसे कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूं उसका आप बिल्कुल भी अनुकरण मत करना। जब मेरा प्रयोग सफल हो, मुझे लगे, तब मैं खुद कहूंगा कि ये प्रक्रिया स्वस्थ रहने के लिए अपनाना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव।